वंदे मातरम भारत माता की जय। आओ मिलकर मनाएं राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। धर्म जागरण रक्षा समिति द्वारा राष्ट्र गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर झंडा वंदन भारत माता पूजन का कार्यक्रम फूटीकोटी चौराहे पर प्रातः 10 बजे राष्ट्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रामेश्वरम जिले के माननीय जिला संघ चालक कमलेश भाजपाई मंगल पांडे, हरीश स्वरूप जी अग्रवाल, रामेश्वरम जिले के व्यवस्था प्रमुख श्री रमेश यादव, रामेश्वरम जिला धर्म जागरण संयोजक कमल जी रामाणी, रामेश्वरम जिला सह धर्म जागरण संयोजक संजय आचार्य, मंगल पांडे, नगर धर्म जागरण संयोजक श्री दिलीप जी वर्मा, वीरेंद्र त्रिपाठी, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की पूर्व चेयरमैन श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी, पूर्व महापौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ द्वारा झंडा वंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता धर्म जागरण रक्षा समिति के आयोजक वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह 18वां वर्ष है। प्रतिवर्ष के अनुसार प्रातः 10 बजे झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन के दौरान देशभक्ति के नारों के साथ ही पूरा क्षेत्र तिरंगा लहराते नजर आया। ये धर्म जागरण रक्षा समिति का 19वां वर्ष है। ये लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के फूटीकोटी चौराहे पर हम लोग, जो कि संघ की दृष्टि से इसको मंगल पांडे नगर चौराहा भी कहते हैं, यहाँ पर झंडा वंदन और स्कूल के मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य झंडा वंदन करने के साथ हमारा धर्म जागरण रक्षा समिति का संदेश रहता है कि यहाँ एक संदेश दिया जाए। यहाँ पर प्रमुख प्रमुख वक्ताओं को बुलाकर उनका उद्बोधन होता है, जिससे आने वाली नई जनरेशन को एक संदेश जाए जो देश हित में, क्योंकि अब देश हित में आने वाली जनरेशन ही काम करेगी। अभी हमको नए पौधों को ही झाड़ का आकार देना है। तो इस प्रकार से धर्म जागरण रक्षा समिति कार्य करती आ रही है। आज चूंकि गणतंत्र के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान लिखा गया था, तो आज हमने उनकी तस्वीर भी यहाँ लगाई है और भारत माता का पूजन किया है, जो बड़े पैमाने पे होती है। और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का ही सबसे बड़ा आयोजन होता है झंडा वंदन, जिसमें सभी, चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, स्कूल बंद है, फिर भी हमारा समाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ और सभी ने मिलजुल करके राष्ट्रीय पर्व मनाया। हम लोग यहाँ 19वां, यह हमारा 19वां वर्ष है, 19 वर्ष हो गए हमको यह कार्यक्रम सतत चलाते हुए। आज चूंकि स्कूलों में अभी ज़्यादा संख्या नहीं जा रही है, इस हिसाब से फिर भी आज हमने 100 बच्चों को बुला करके उनका सम्मान किया और स्कूल के प्राचार्यों का सम्मान करा। हमारे बीच में शांति निकेतन स्कूल के प्राचार्य श्री अरविंद जी दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि हमारा ये गरीब बेल्ट है, गरीब बस्ती का बेल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा देना यह हमारे सभी स्कूल के संचालकों का कार्य है और जो निरंतर वो खूबी के साथ कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्वयंसेवक हूँ और मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज का कार्य करना ही मुझे अच्छा लगता है।